नमस्ते, मैं वैद्य रितम राय चौधरी। मैं एक BMS आयुर्वेद डॉक्टर हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिवात के बारे में। तो संधिवात का या ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण, लक्षण एंड इसका चिकित्सा आज हम जानेंगे। तो आज हम जानेंगे संधिवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण, लक्षण और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। पहले हम डिस्कस करेंगे संधिवात का कारण। संधिवात के कारण के लिए पहले हमको जानना है हमारा शरीर का गठन कैसे होता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हमारे शरीर में और हर एक व्यक्ति के शरीर में 3 टाइप ऑफ दोष होता है। क्या? वायु, पित्त एंड कफ। और वेदना में वायु का रोल या वायु मुख्य भूमिका निभाता है। तो जिस जिस कारण में शरीर में वायु का वृद्धि होता है उसी कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिवात का। हम लोगों को याद रखना चाहिए कि ये संधिवात वातव्याधि, आयुर्वेद में वातव्याधि चैप्टर है, उस वातव्याधि का एक पार्ट है। तो वायु का कारण, वायु वृद्धि का कारण कैसे होगा शरीर में? वायु वृद्धि का कारण है, मेन कारण है खाना, खान पान का और हमारा डेली लाइफ में हम कैसे चलते हैं इस कारण से। तो अगर खाना अगर ज़्यादा सूखा होगा, ज़्यादा ठंडा होगा, ज़्यादा कसेला होगा तो वायु उस खाने सेवन से वायु वृद्धि होगा शरीर में। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर हम ज़्यादा व्यायाम करेंगे, अनियमित से व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करेंगे तो भी वायु का वृद्धि हो सकता है शरीर में। ये सब कारण है, प्राइमरी कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिगत वात का। इसके अलावा अगर हम रात को ज़्यादा जागते हैं, ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे शरीर में वायु वृद्धि हो सकता है। तो अब हम संधिवात का लक्षण के बारे में जानेंगे या किस चीज़ को देखकर हमको लग रहा है कि ये पेशेंट संधिगत वात में जा रहा है। तो संधिवात का जो कारण होता है, जो लक्षण होता है, वो लक्षण में पहले ही तो हम देखेंगे कि जिसको संधिवात हुआ है वो आदमी या वो औरत, उसके बैठने में, चलने में, चढ़ने में, सीढ़ी को चढ़ने में उसका तकलीफ होगा, उसका घुटने में दर्द होगा, स्वेलिंग होगा घुटने में, कमर में दर्द होगा, झंझनाहट होगा। और संधिवात में घुटना एक्सटेंशन और फ्लेक्शन करने में भी हमको बहुत तकलीफ होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसका ट्रीटमेंट के बारे में, मेनली आयुर्वेद ट्रीटमेंट के बारे में। आयुर्वेद ट्रीटमेंट में संधिवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो आयुर्वेद ट्रीटमेंट का मेन प्रोटोकॉल है निदान परिवर्जन, अर्थात जो कॉज संधिवात को घटने में हेल्प करता है उसको हम पहले से ही बंद कर देना ही इसका पहला लक्षण है, पहला ट्रीटमेंट है सॉरी। तो पहले आता है खान पान में हम मधुर रस या मीठा खाना या ऑयली खाना ये सब थोड़ा ज़्यादा खा सकते हैं जो कि हमारा वायु को शमन करने में हेल्प करता है। दूसरी तरफ फ्रिज का खाना, ठंडा खाना, सूखा खाना, एक दिन या दो दिन का बासी खाना, ये सब खाना हमको छोड़ना पड़ेगा। ये अगर हम छोड़ सकते हैं तो वायु शरीर में थोड़ा कम होगा और जो दर्द है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। और आयुर्वेद में बहुत सारे ड्रग्स है और बहुत सारे मेडिसिन हैं जो कि ना ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिगत वात के लिए बहुत बेनिफिशियल है, लाइक एस गुगुल है, राशना है, दशमूल है। ये सब ड्रग्स आपका लोकल आयुर्वेद डॉक्टर के साथ बात करके सजेशन लेके आप ले सकते हैं। पंचकर्म ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हैं। डिफरेंट मेडिकेटेड ऑयल है जो कि ना इस संधिवात में मालिश का या मसाज का तौर पर हम दे सकते हैं, वो भी आप एक आयुर्वेद डॉक्टर के सलाह लेकर ही आपको लेना चाहिए। तीन नंबर चीज़ है जो आप मर्म चिकित्सा कर सकते हैं, मर्म थेरेपी, ये भी आयुर्वेद का एक पार्ट है। डिफरेंट पॉइंट पे प्रेशर डाल के हम आयुर्वेद में एकदम इंस्टेंट संधिवात का वेदना जो है, जो पेन है, वो हम इंस्टेंट कम कर सकते हैं। लेकिन वो एक स्पेशली मर्म चिकित्सक से ही आपको लेना है जो कि एक आयुर्वेद डॉक्टर है और मर्म चिकित्सा जिसका स्पेशलाइजेशन है उससे ही आप ले सकते हैं।
और अगर आपको संधिवात के बारे में और ज़्यादा जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा फ़ोन नंबर है, उसमें आप कॉल कर सकते हैं, या आयुर्वेद किसी भी आयुर्वेद ट्रीटमेंट का गाइडेंस आपको लेना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कॉमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो और ज़्यादा इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो और ज़्यादा देखना है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए।